हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने कमेंट्स बॉक्स को देखा तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरी आ रहे हैं। अब अलग अलग तरह की है दोस्तों, कोई कुछ पूछ रहा है तो किसी की किसी प्रकार की है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अधिक से अधिक आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे और आप लोगों ने जो जो कमेंट्स किए हैं, मेन मेन हाईलाइट्स, उनके आंसर्स भी देंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ पर वो रीजन बताएंगे जिनका कट ऑफ कम जा सकता है और किन को मिलेगा लाभ, और आप लोगों का वो कौन सा शिफ्ट है या फिर कौन सा डे है जिसका कट ऑफ कम जाने की संभावना है। हम इन चीज़ों को भी देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी क्या कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एंड आपके वीडियो के बाजू में देख रहा होगा क्या दोस्तों, घंटी का निशान, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करते हैं वन बाई वन करके। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में, जिसमें सबसे पहले मैंने वो डाउट रखा है जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि सर आप ये बताइए हमारा कट ऑफ क्या जाएगा, हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है, मेरे नंबर इतने हैं, मेरे नंबर इतने हैं। कोई बोल रहा है मेरे नंबर 60 है, कोई बोल रहा है 65 है, कोई बोल रहा है 50 है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बता दूं, मैंने इसके लिए पहले से ही अपने चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। आप उस वीडियो को इसी वीडियो के कॉर्नर में जाकर देख सकते हैं, आई बटन का साइन आ रहा होगा, या फिर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको वो वीडियो लास्ट में भी मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, देख सकते हैं और अनुमान लगा लेना कि हाँ आपके मार्क्स अच्छे हैं। लेकिन बहुत से डाउट्स ऐसे आते हैं, सर हमारे यहाँ पर बीसी का और एबीसी का कितना जा सकता है कट ऑफ, तो वो बताइए। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आपके ओबीसी के कैंडिडेट हैं वैसे ही आप लोगों का जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप उसी कैटेगरी के समान हैं ओबीसी, आप उसी से तुलना कर लेना, एक दो नंबर का हेर फेर यहाँ वहाँ हो सकता है। बाकी यदि आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं जैसा कि मैंने बताया है तो समझिए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट डाउट क्लियर कि सर हमारा कट ऑफ कितने जा सकता है। तो आपको इसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, वो देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें मैंने उस डाउट को रखा है जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट द्वारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, डाउट नंबर सेकंड है आपका और बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब कैंडिडेट क्या पूछ रहे हैं कि सर क्या 12 तारीख वालों का पेपर फिर से होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा मानने को आ रहा है कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हो गया है। बहुत से कैंडिडेट का कहना है सर पेपर लीक हो गया है तो 12 तारीख का पेपर फिर से होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए दोस्तों एक बात बता दूँ, यहाँ पर आपके अभी 0% चांस है कि आपका 12 तारीख का पेपर फिर से होगा। रीजन है दोस्तों, क्योंकि टाइम इतना हो गया है और आपको पता होगा यदि अब तक आपका पेपर होता तो दोस्तों अब तक आपको बता दिया जाता, सूचित कर दिया जाता कि आपका पेपर फिर से होगा। कहने का मतलब आपके अगले पेपर की डेट भी आ गई, एक पेपर आपका 8 तारीख को कंडक्ट होने वाला है, जो 20 को होने वाला था वो 8 तारीख को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि इसको कैंसिल करते तो आपकी इसकी भी डेट फिक्स कर देती कि हाँ आपका पेपर इस तारीख को होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि 0% चांसेस है कि यदि आपका पेपर फिर से हो, कोई चांस नहीं है। इसलिए आप ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिए कि आपका पेपर दोबारा से होगा, है ना। जे डाउट्स आ रहा है कि सर क्या हमारा पेपर फिर से होगा, तो यहाँ पर आपके पेपर के बिल्कुल चांस नहीं कि फिर से हो। यदि होता तो अब तक आप लोगों को टाइम फिक्स कर दिया जाता कि हाँ आपका होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो सेकेंड डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि हमारा पेपर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि आपका पेपर दोबारा से हो। अब जो हो गया सो हो गया, फिर वो लीक हुआ हो या फिर जो हुआ हो, है ना। चलिए देखते हैं सेकंड या थर्ड डाउट को आपके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें आप लोगों का मैंने वो डाउट रखा है जो कि कैंडिडेट द्वारा पूछा जा रहा है। अब डाउट यही है दोस्तों कि सर आखिरकार हम लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, ऐसा डाउट देखने को आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी तो आपका पेपर होना बाकी है। कहने का मतलब अभी आपका 8 तारीख को और पेपर कंडक्ट होगा, देन इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ आपका पेपर का जो रिजल्ट है वो इतने टाइम तक आ सकता है। तो अभी हम इस पर चर्चा ना करें तो ही बेटर होगा। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट कमेंट को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ से संबंधित सवालों के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, बहुत से सवाल आ रहे हैं कट ऑफ से संबंधित। अब एक क्या आ रहा है कि सर क्या 12 तारीख वालों को कुछ लाभ मिलेगा? क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पेपर लीक हुआ है तो ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि सर क्या 12 तारीख वालों को कुछ लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम इसका आंसर देंगे कि हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पहले एक कमेंट को और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और सबसे पहले हम लास्ट डाउट देख लेते हैं कि आखिरकार लास्ट डाउट क्या आ रहा है। तो दोस्तों लास्ट डाउट में आप लोगों का यही आ रहा है कि सर 12 और 8 में से किसका कट ऑफ कम रहेगा। कहने का मतलब जिनका एग्जाम 12 तारीख को कंडक्ट हुआ था और जिनका एग्जाम 8 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है, तो इन दोनों डेट्स में से कौन सी डेट वाले कैंडिडेट का कट ऑफ कम रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पर बात आती है कट ऑफ की कि आखिरकार किसका कट ऑफ कम रहेगा। तो फ्रेंड्स वो है 12 तारीख वालों का। हाँ फ्रेंड्स 12 तारीख वालों का यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगा, क्योंकि इसका तर्क भी है। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का पेपर हुआ था, हालांकि बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर लीक हुआ है पेपर तो यहाँ पर कट ऑफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं। फ्रेंड्स लेकिन एक रीजन और है जिसकी वजह से 12 तारीख वालों का कट ऑफ कम जा रहा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण रीजन है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि डियर फ्रेंड्स यदि आप दिन को काउंट करेंगे कि 8 तारीख के बाद जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है आपका कब, 12 तारीख के बाद जो आपका पेपर होने वाला है कब, 8 तारीख को, तो फ्रेंड्स आप दिन काउंट कर लेना, 4 दिन के 4 दिन ही शेष हैं, बाकी आपका 1 मंथ यहाँ पर डिस्टेंस आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स यदि 12 से 12 होता तो क्लियर 1 मंथ हो जाता, लेकिन 12 से 8 हुआ है तो यहाँ पर 4 दिन हम कम कर ले रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स इतने दिन समझिए कि 8 तारीख वालों को मिल गए तैयारी के लिए शेष। आप एक दिन में क्या से क्या हो जाता है, यहाँ पर आप लोगों को एक एक महीने का अंतर आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स हालांकि पेपर 20 तारीख को होना था, बट लीक होने की वजह से या फिर जो जो रीजंस रहे हैं उसकी वजह से इस पेपर की डेट बढ़ा दी गई और आपका पेपर पहुंच गया 8 तारीख को। तो फ्रेंड्स आप जो कैंडिडेट 8 तारीख में बैठने वाले हैं तो वो कैंडिडेट हर एक चीज से रूबरू हैं। जी हाँ दोस्तों हर एक चीज से और हर एक क्वेश्चन से। आपका 12 तारीख का जो पेपर हुआ है उनको उसकी नस नस पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, हार्ड रहा, लो रहा, इजी रहा, कैसा रहा, उनको हर एक चीज पता है। और दोस्तों समथिंग इनको 1 मंथ मिल गया है तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है क्या, हाई कब, 8 तारीख वालों का। और जो पेपर 12 तारीख को हुआ है उन कैंडिडेट को सिलेबस तो पता था, बट कहाँ से कैसे टॉप क्वेश्चन बनने हैं, टफ बनने हैं, इजी बनने हैं, इस चीज का बिल्कुल 0% नॉलेज नहीं था। जी हाँ फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो नए नए थे, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं उनको हर एक चीज पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कितने आए हैं और किस लेवल के आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसलिए रीजन है कि 8 तारीख वालों का कट ऑफ आपके 12 तारीख वालों से ज्यादा रहने वाला है। अब मेरे ऐसे फैंस भी होंगे जिनके कमेंट्स आ सकते हैं कि सर हो सकता है कि 8 तारीख वालों का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए। तो फैंस आप लोगों के लिए बता दूं इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड है वो कैंडिडेट का मुंह देखकर पेपर नहीं बनाते, उनके लिए जो कैंडिडेट है सारे कैंडिडेट एक समान है, थोड़ा वह 19-20 का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप कल्पना करें कि जमीन और आसमान का फर्क देखने को मिल जाए पेपर में तो ऐसा नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। हाँ जी फ्रेंड्स इतना नहीं हो सकता कि यहाँ पर बिल्कुल लो लेवल रहा आपके पेपर का तो यहाँ पर बिल्कुल हाई पहुंच जाए, इतना नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है मगर ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स यहीं पर चांस है कि आपका 12 तारीख का यहाँ पर कट ऑफ कम जाने वाला है और आपके तारीख 8 का कट ऑफ 12 तारीख वालों से ज्यादा जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब दोस्तों कुछ कमेंट ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि सर यहाँ पर बोर्ड वाले मक्कार हैं। तो फैंस बोर्ड वालों की यहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बोर्ड वालों ने पेपर लीक करा है। एक कैंडिडेट ही होते हैं कुछ नालायक टाइप के जो ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। यहाँ पर जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं तो उनको तो सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स किसी की गलती किसी को भोगनी पड़ती है और नाम किसी का बदनाम होता है।
यहाँ पर बोर्ड की कोई मिस्टेक्स नहीं है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों बस यही सब बोलना चाहूंगा, यदि आई हो वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक कर दें। हालांकि मेरी नजर में और आप सबकी नजर में 12 तारीख वालों को यहाँ पर लाभ तो मिलने ही वाला है, तो आप लोग इससे निष्फिक्र रहे कि नहीं, हमारे कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, हमारे पेपर लीक हो गए, हमारे पेपर 80 और 90 का कट ऑफ जाने वाला है, तो आप ऐसी कल्पना बिल्कुल ना करें। ओके, तब तक लिए डियर फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।